आज किसान आंदोलन के एक साल पूरे हो गए हैं और इसी मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की भीड़ बढ़ने वाली। हरियाणा, पंजाब और पश्चिम यूपी में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जुटने लगे हैं और वहीं इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा से बैरिकेडिंग भी की गई है और जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सरकार की ओर से 3 कृषि कानून को वापस लेने के बाद से किसान एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। आंदोलनकारी किसान 29 नवम्बर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और आंदोलन खत्म करने का भी ऐसा कुछ भी फैसला किसानों की तरफ से नहीं लिया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के तीनों बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और बहादुरगढ़ के बॉर्डर पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहां पर किसानों की मौजूदगी है, क्योंकि आज किसान आंदोलन को एक साल पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर यहां पर किसानों ने महापंचायत का ऐलान भी किया है और अभी ये आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि किसानों की यही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस तो ले लिया गया लेकिन एमएसपी पर गारंटी चाहिए। किसान नेता दर्शन पाल का क्या कुछ कहना आपको सुनाते हैं। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के सबसे बड़े नेता डॉक्टर दर्शन पाल हैं। दर्शन पाल जी, किसान कानून वापस हो गया उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे हैं और आज एक साल पूरा हो गया, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? आगे देखिए, कल हमारी मीटिंग है उसमें तय करेंगे। वैसे हमारे 7 मुद्दे बाकी है। एमएसपी का इशू है, किसानों के ऊपर जो केस बने हैं वो वापस करवाने हैं और फिर जो शहीद हुए साथी हैं उनके मुआवजे की बात है, फिर बिजली बिल है, यहाँ स्पार्क बनाने के लिए जगह लेनी है। सो 6-7 मुद्दे अभी ड्यू हैं, वो मुद्दे कब हमारे सरकार पूरे करती है उससे तय करेंगे, क्योंकि अभी तो अभी एक ही डिमांड हमारी पूरी हुई है, वो है 3 कानून वापस लेंगे। तो डॉक्टर, मुख्य मांग तो यही थी ना आपकी? मुख्य यही थी, मुख्य ना, मुख्य 2 थी, एमएसपी वाली और ये 3 कानून वाली, 2 मुख्य मांग। तो डॉक्टर साहब, आप संसद खराब की बात की जा रही है आपकी तरफ से? देखिए, कल हम फाइनल करेंगे। अभी सोचिए कि हमारा अभी आज तक वो है ड्यू है, उसने फाइनल। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर वरुण मौजूद हैं और साथ ही सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहां से मेरे सहयोगी मोहित जुड़ चुके हैं। वरुण, सबसे पहले आपका रुख करते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर क्या रणनीति बनाते हुए किसान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें 26 नवंबर 2020 की, तो जिस रणनीति के साथ शायद किसान यहाँ पर पहुँचे थे, बिल वापसी किस और तो घर वापसी, वो चीज़ एक अब पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी मांग है जो पिछले एक साल में अब साथ साथ में जुड़ती रही कि किस तरह से किसान अब चाहते हैं कि उनकी बेहतरी के लिए वो कदम उठाए जाएँ, उन चीज़ों को लेकर अब किसानों की मांग है, लेकिन इसको आगे कैसे लेंगे। अब तक जो बात की गई है कि ट्रैक्टर रैली होगी दिल्ली में 30 को ज्यों की त्यों है। राकेश टिकैत से हमने बात की, उनका कहना था कि ऐसी बहुत सी मांग है जिनके लिए हम अभी भी बॉर्डर पर रहने वाले हैं, अभी संसद में जो कानून वापस लिया जाएगा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अब हम एक नई कानून बनाने की बात कर रहे हैं, उसको शायद सरकार को कहीं सुनना पड़ेगा। किसान क्या कहते हैं समझते हैं। अब कानून तो वापस हो गया है जिसके लिए आप आए थे एक साल पहले आज से, ठीक, अब क्या चीजें? एमएसपी पे भी कानून बना, एमएसपी पे भी कानून बना, और जो हमारे 750 आदमी शहीद हुए हैं उनका भी कुछ रहा हो, बालकों की नौकरी खत्म कर दी, ये मुद्दे तो अभी बहुत हैं। और हमें दिया ही क्या है ने? जो दिया वो वापिस ले लिया, 3 काले कानून दिए उन्होंने वापिस ले लिया, हमें क्या दिया? अब क्या क्या वो मतलब जो चीजें आप जो चीजें बता रहे हैं वो आपको चाहिए, लेकिन क्या किसान को मतलब अब आंदोलन के जरिए ही सारी चीजें लेना सही लग रहा है? आंदोलन जब उठेगा जब सगड़ी चीज ले लेंगे, लिखित में लेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम मीटिंग करें, बातचीत हो, अपनी मांग हो, लेकिन सारी चीजें अब आंदोलन के जरिए ही समझाई जाएं। हाँ बिल्कुल, और 28 तारीख में दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली मतलब पुलिस ने तो हाँ बोला नहीं, दिल्ली पुलिस ने कहा है कोई बिना पूछा आया हम नहीं घुसने देंगे? नहीं घुसने ना देंगे, हम घुसेंगे, वे रोकियो, झगड़ा बनेगा। झगड़ा बना था 26 जनवरी भी याद है, ऐसे मतलब चीजें तो खराब नहीं होती ऐसे, आम जनता को परेशानी होती? परेशानी हमें है ज्यादा, आम जनता को क्या परेशानी है? अरे परेशानी हमें, एक साल हो गया यहाँ पड़े पड़े, ऐसा नहीं उठेंगे बिना अपने लिखित रूप में लेंगे सगड़ी वे। बिल्कुल, देखिए वो ऐसी बहुत सी मांग है, सबसे बड़ी जो मांग है एक जो एमएसपी को लेकर नया कानून बनना चाहिए वो इस वक्त यहाँ से उठ रही है। हर किसान के इस वक्त जो आवाज़ है वो ये सिर्फ यही कह रही है कि एक नया कानून अब चाहिए, वो पुराना जो वापस हुआ वो हुआ, लेकिन अब वो नए कानून के लिए हमारी आवाज़ बनी रहेगी और आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, सिंघू बॉर्डर के किसान क्या कह रहे हैं?
टुडे इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। मोहित, आवाज पहुंच रही है आप तक? मोहित, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों का क्या कहना है। देखिए, सिंघू बॉर्डर पे हमारे किसान नेता दर्शनपाल से बात हुई थी और दर्शनपाल जी ने बताया है कि अब आने वाले समय में हम नए कानूनों की मांग कर रहे हैं, खासकर से एमएसपी पे जो कानून है। तो साथ ही जो किसानों की मौत हुई किसान आंदोलन के दौरान, उनके लिए मुआवजे की मांग करते हैं, उनके नौकरी की मांग करते हैं। हालांकि जो संसद घेराव की बात थी उस पर कुछ नरमी जरूर दिखी है। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से उनका कहना है कि कल जो मीटिंग होगी उसमें तय होगा कि अब संसद घेराव करना है या नहीं करना है, क्योंकि संसद घेराव की बात तब कही गई थी जब तीन कानून वापस लेने की बात नहीं कही गई थी। अब सरकार ने कैबिनेट में तीन कानूनों को रद्द कर दिया है, तो उसके बाद की क्या रणनीति होगी कल की मीटिंग पर तय होगा। हमारे साथ कुछ आम किसान इनसे बात करते हैं कि एक साल हो गया है और जिस मुद्दों के साथ वो आए थे अब वो मुद्दे पूरे हो चुके हैं। जिस आप जो आपकी मेन मांग थी तीन कानून वापस लेना, उसके साथ आप आंदोलन के लिए आए थे? नहीं, मेन मांग तो हमारी एमएसपी की थी, तो सरकार ने हमारे ऊपर थोपा था कानून, उन्होंने वापस लिया। मेन मांग तो हमारी एमएसपी की है। दूसरा दो मांग किसान ने उसकी और मांगी माननी थी सरकार ने, उन पर कोई अभी वो फाइनल नहीं किया। जैसे पराली का बिल है, बिजली का बिल है, इसके अलावा जो हमारे 700 किसान शहीद हुए हैं उनका मुआवजे का है, और तीसरा हमारा शहीद स्मारक का है। और एमएसपी तो हमारी मेन मांग तो एमएसपी की बहुत पुरानी है, और जिस टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री थे वो एक कमेटी के हेड थे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री होते हुए भारत सरकार को ये लिखा था कि इस पे एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। आप लोग कह रहे थे अगर कानून वापस हो जाते हम लोग वापस चले जाएंगे, नहीं, तो आपको क्या लगता है आंदोलन के नहीं, 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 कभी कानून वापस हो जाए वापस चले जाएंगे। एमएसपी हमारी साथ में मांग थी, हमें बार बार कहा एमएसपी पे चर्चा करो, न कहा इस पे कर ले पहले उसके बाद करेंगे। अब वो उन्हें वापिस ले लिए, वो तो जो उन्होंने सरकार ने थोपा था हमारे ऊपर कानून उन्हें वापिस ले लिया, हमें उससे क्या वो है। मेन तो हमारा एमएसपी का है, जब तक एमएसपी फार्मर को नहीं मिलेगा फार्मर की यही दुर्दशा रहेगी, उसका वो सुधार नहीं होगा। एमएसपी हमारी मेन मांग है, कहीं भी एमएसपी पे खरीद नहीं होती, 5-6% सारी खरीद एमएसपी पे होती है, तो एमएसपी तो मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल बादरसूद जारी रहेगा आंदोलन, ये तो हमारा एक निश्चय है। हाँ। तो आप सुन सकते हैं कि इनका कहना है कि जब तक जो उनकी मांगे एमएसपी की मांग है या जो किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा है, शहीद स्मारक है, वो नहीं बनाई जाती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके यानी कि अब तक का फैसला यही है वरुण और मोहित कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा जब तक एमएसपी पर बात नहीं बन जाती। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। लेकिन आंदोलन के एक साल पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए, किसान आंदोलन को आज पूरा एक साल बीत चुका है, ऐसे मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत, जो इस पूरे किसान आंदोलन के एक सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे। आगे की रणनीति क्या होगी, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस करने का ऐलान कर दिया था। आप लोगों ने पहले तो बयान आया कि भाई विंटर सेशन में पहले रख के आप ऑफिशियली कानून वापस लीजिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। अब ये हो रहा है कि एमएसपी की डिमांड पूरी करो, तो ये क्या जो ये लिस्ट है, जो बकेट लिस्ट है, ये दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और क्या किसान वापस घर नहीं जाएंगे? जब यहाँ पे आए और 11 दौर की बातचीत हुई, दो डिमांड उन्होंने वहीं कर दी थी, पुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल। और जब बाहर आए उन्होंने कहा, सब लोगों ने, प्रेस के लोगों ने कहा जी आपकी 4 डिमांड थी, 2 आपकी पूरी होगी तो 50% हो गया, वो तो याद होगा सबके। तो इसका मतलब 4 डिमांड में एमएसपी थी, और एमएसपी 4 में नहीं, एमएसपी तो सबसे पहला इशू है, बड़ा इशू है एमएसपी का। अच्छा, एमएसपी तो 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे जो फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट उसमें दी थी, अपनी रिपोर्ट उसमें दी थी कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। अच्छा। तो अपनी रिपोर्ट को लागू कर दो, आज उस पद पे है तो आज तो यही रहेंगे, आज यही हाँ सब मोर्चों पर रहेंगे।